दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, और इस चैनल में मैं जीए सेक्शन को कवर करूंगा। साथ ही आपको पता होगा जो सब्सक्राइब किए हुए हैं कि इसमें पहले से ही मैथ की और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। मैं जो जीए सेक्शन कवर करूंगा वो इन सभी एग्ज़ामों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीडीएस और स्टेट पीसीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उपयोगी होंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन आज मैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम अपना आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है, मैं उसके से शुरुआत करूंगा। तो उसकी शुरुआत से पहले मैं थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी में जो मेजर तीन सेक्शन हैं, ठीक, पहला सेक्शन क्या है इसमें, मैथ, जिसको अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। दूसरा है रीजनिंग, आई थिंक विजिबिलिटी थोड़ा कम होगी, इसको रफ करता हूँ। रीजनिंग एंड थर्ड इज जीए, ठीक। तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस तो चल ही रही हैं इसमें, और आज से कोशिश करेंगे कि जीए की क्लासें भी कंटिन्यू चलें, ठीक है। अब जीए सेक्शन में, अच्छा, इनको मैं बता रहा था कि इनका क्या है, मतलब इनके मार्क्स कितने कितने हैं। तो 30 मार्क्स का मैथ, 30 मार्क्स की रीजनिंग और 40 मार्क्स के जीए, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है ये, जो सीबीटी वन और सीबीटी टू, ये सीबीटी वन का है सिलेबस ब्रीफ थोड़ा सा, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू का जो सिलेबस है उसमें भी लगभग इतने ही पार्ट हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 120 हैं। तो इसमें जो मैथ का सेक्शन है सीबीटी टू में, उसमें है कितने, 35 मार्क्स, ठीक। रीजनिंग के सेक्शन में भी 35 मार्क्स, और जीए सेक्शन में 50 मार्क्स, कितना होगा ये 120, टोटल 120 मार्क्स के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जीए और यहाँ भी जीए का वेटेज ठीक ठाक है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, और कोशिश करेंगे कि ऐसी पढ़ाई करें कि मैक्सिमम से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें जीए सेक्शन में। मैथ और रीजनिंग में तो आप इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा होगा कि वहाँ कवर करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं जीए, थोड़ा जीए के बारे में जानते हैं, क्या जीए सेक्शन में क्या क्या कंटेन है, आपको क्या क्या जीए सेक्शन में पढ़ना है, ठीक। पहली चीज़ें जो पढ़नी है वो है करंट अफेयर, ठीक है। दूसरी चीज़ है साइंस, और तीसरी चीज़ क्या है, जीके, तब जनरल नॉलेज। करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे, और ये तो अथाह है, जितना ज़्यादा पढ़ लें उतना अच्छा है। साइंस मेजर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। इसी में साइंस टेक भी कभी कभी, मतलब जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोल देते हैं, या तो आप इसको फिजिक्स के साथ रख सकते हैं, या अलग सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे अपन। और थर्ड इज जीके, जीके में हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से जो सेक्शन है वो, इकोनॉमी, ठीक। तो
जीके सेक्शन में। तो ये जो जीए है वो मेजरली तीन पार्ट कंटेन करता है, आप देख सकते हैं। तो जो आज जहाँ से अपन शुरुआत करेंगे वह है साइंस सेक्शन से, ठीक है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में खासकर साइंस सेक्शन, एनटीपीसी में ही नहीं लगभग सभी एग्जाम में साइंस ठीक रहता है। और साइंस पढ़ने का एक और फायदा ये रहता है कि थोड़ा सा एक जो वैज्ञानिक तर्क शक्ति है वो थोड़ा बढ़ जाए, हालांकि पहले से ही सब लोगों की बढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बढ़ी है, फिर भी साइंस में भी हम फिजिक्स से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज फिजिक्स की शुरुआत करते हैं भौतिकी से। भौतिकी आप लोगों के एनालिसिस में पता होगा कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में जो बायो सेक्शन है उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, और उसके बाद भौतिकी का, फिर उसके बाद जो है केमिस्ट्री का वेटेज। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, तब करने लायक क्वेश्चंस रहते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से। हम सब डिस्कस करेंगे तीनों पार्ट को बारी बारी से। सबसे पहले भौतिकी से शुरुआत करते हैं। अब अपन भौतिकी में कौन कौन सा कितने सेक्शंस पे डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपन यांत्रिकी पढ़ेंगे, इसके बाद ऊष्मा, फिर पढ़ेंगे ध्वनि, फिर प्रकाशिकी, फिर विद्युत एवं चुंबकत्व, और इसके बाद आधुनिक भौतिकी देखेंगे। आधुनिक भौतिकी में वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आधुनिक भौतिकी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट रिलेटेड रहते हैं। जो अभी करंट डिबेट में कोई अगर साइंस टेक्नोलॉजी में कोई नया इन्वेंशन हुआ है या कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ड्राइंग की इंग्लिश स्ट्रेट कर लेते हैं। मैकेनिक्स सभी को पता होगा, हीट, साउंड, ठीक है, ऑप्टिक्स, ई एंड एम, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे यांत्रिकी से। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की शुरुआत जहां से होती है वह है मापन पद्धति, मेजरमेंट से। तो आज हम अपन शुरुआत करेंगे मापन मीन्स मेजरमेंट। क्योंकि भौतिकी फिजिक्स पढ़ने से पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उनको किस तरह से अपन मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से मापते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिजिक्स की शुरुआत में ही जो है अपन मापन पद्धति को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट में अब किसी भी भौतिक राशि की सही स्थिति का पता लगाने के लिए, हमको उसकी मात्रात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए अपन जिन पदों का उपयोग करते हैं वही होती है क्या भौतिक राशियों में मेजरमेंट, ठीक है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, ये सब क्या है भौतिक राशियां हैं, ठीक है। अब इन भौतिक राशियों को अपन, ठीक है, मेजरमेंट आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ मापन, ठीक। तो हम मापन किसका करेंगे, मापन करेंगे भौतिक राशियों का, ठीक, भौतिक राशियों का ही तो मापन करेंगे।
अब देखते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, पहली अदिश राशियां और दूसरी सदिश राशियां, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। अब अदिश और सदिश, अदिश राशि नाम से ही स्पष्ट है, अदिश आ मीन्स जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, ये कैसी राशियां हैं, ये सब अदिश राशियां हैं, क्योंकि द्रव्यमान के लिए हम किसी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए इंडिकेट नहीं करना पड़ता है कि 5 किलो उत्तर की ओर, 5 किलो दक्षिण की ओर, इस तरह से ये कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। इसके लिए केवल उनके मात्रा की जरूरत पड़ती है, ना कि दिशा की जरूरत पड़ती है, जबकि सदिश राशियों में मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, बल। बल ऐसा नहीं कि किसी भी दिशा में बल लगाया जाएगा, बल एक्चुअल में बल ऐसा है कि वो एक किसी पर्टिकुलर दिशा में ही लगेगा, ठीक है। वो एक अलग बात है कि किसी बिंदु पर बहुत सारे बल लग रहे हों तो परिणामी बल शून्य हो जाता है, पर हाँ यहाँ पे ये तो बताना जरूरी हो जाता है ना कि विभिन्न दिशा में लग रहे बल, इसलिए बल को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब परिभाषा से तो इतना क्वेश्चन उठते नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में अदिश और सदिश राशियों के एग्जाम्पल 100% मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके आप देख सकते हैं, अदिश और सदिश राशियों से तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अदिश राशियों के एग्जाम्पल, ठीक है, अदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन सी अदिश राशि, कौन कौन सी अदिश राशियां हैं, तो कौन सी हैं, दूरी, ठीक है, इसके बाद चाल, ये दोनों एक साथ याद रखना है, दूरी और चाल, फिर आयतन, फिर घनत्व, कार्य, शक्ति, कार्य शक्ति, ऊर्जा आदि, ठीक है। इसमें दूरी, चाल, घनत्व, आयतन, कार्य, कार्य थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल अपने सदिश राशियां सदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे हमने दूरी देखा, इसी के साथ में आप क्या देखना है, विस्थापन, दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए ये अदिश और सदिश राशियां हैं। चाल याद रखेंगे तो अपन वेग भी याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद वेग, वेग से लगा हुआ एकदम त्वरण है, फिर संवेग, फिर आवेग, बल ने बता ही दिया है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं एग्जाम्पल में से मिल जाते हैं, और क्योंकि सब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कि किसी से बनता नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यार दूरी कहीं है, सदिश है, अदिश है, इसलिए आज उस कन्फ्यूजन को दूर करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन ये थोड़ा सा समझने का है यहाँ पे, दूरी और विस्थापन में, क्योंकि देखिए दोनों का अगर मात्रक देखेंगे, दोनों के मीटर ही, यूनिट क्या होती है, दोनों की मीटर है, ठीक है, लेकिन एक सदिश राशि है
और एक अदिश राशि है। तो कैसे ये, तो दूरी क्या होती है, मान लीजिए हमको ए से बी तक जाना है, ठीक। तो ए से बी तक जाने के लिए ए से ओ से बी तक गए, ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ से गंतव्य तक, ठीक है, जो सबसे मतलब चली गई दूरी, कितना वो पाथ ट्रेवल किया, वो कहलाती है उसकी दूरी, ठीक। लेकिन जो विस्थापन है वो उसकी सबसे कम समय में तय की गई दूरी है। जैसे कि ए से बी तक पहुंचने में सबसे कम वाला पाथ होगा ये होगा, ठीक। लेकिन इसके लिए दिशा की आवश्यकता है, ये इम्पोर्टेंट, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसके लिए दिशा की ज़रूरत है, इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए दिशा की ज़रूरत कैसे है। तो हम बोले कि हमको ए से बी तक जाना है, तो हम कैसे भी चले गए, कहीं से भी घूम के गए, कोई मतलब नहीं, कोई दिशा की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, हम कैसे भी घूम के चले गए, क्योंकि इसमें हमको शॉर्टेस्ट रूट की ज़रूरत नहीं है, कितना भी हम यहाँ पे रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो हमको पता है कि ए से बी तक हम जाने में कम समय हमको तभी लगेगा जब हम ये ए से बी इसी रास्ते पर ट्रिपल करेंगे। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से ट्रेवल करेंगे, मतलब यहाँ से ट्रेवल करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से ट्रेवल करेंगे, तभी हम ए से बी तक सबसे कम समय में पहुँच पाएंगे। इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और दूरी अदिश राशि है, ठीक। इसी से लगा हुआ है चाल, ज़्यादातर लोगों को पता होगा चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। अब दूरी यहाँ कैसा है, अदिश राशि है, तो चाल कैसी होगी, अदिश राशि होगी। इसलिए यहाँ से आपको कनेक्ट करके याद रखना है, दूरी कैसी है, अदिश राशि है, तो चाल कैसा है, अदिश राशि। अब देखिए हम चेंज करेंगे यहाँ दोनों जगह, अब क्या है, वेग आ गया, ठीक। चाल और वेग दोनों सेम ही है, लगभग लगभग सेम है, पर अंतर क्या है, एक इसमें दूरी होती है, इसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन की दर क्या हो गया, वेग। अब विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो वेग कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, ठीक है। ये भी आपको समझ में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा यहाँ पे। इसके बाद त्वरण की बात करते हैं, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, ठीक। तो अब वेग कैसा है, सदिश राशि है, तो त्वरण कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, इसलिए आप देखेंगे कि त्वरण सदिश राशि है, ठीक। संवेग की अगर बात करते हैं, तो संवेग अगर आपको फार्मूले पते हैं तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए द्रव्यमान तो यहाँ क्या है, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, शायद मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये द्रव्यमान भी, दूरी मैंने बताया पर द्रव्यमान लेक्चर के पहले ही अदिश राशि समझाते समय द्रव्यमान का जिक्र किया था। तो द्रव्यमान तो क्या है, अदिश राशि है, लेकिन वेग कैसा है, सदिश राशि है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो गई, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अदिश, तो यहाँ से क्या मिला आपको, एक निष्कर्ष निकलता है कि अदिश और सदिश का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सदिश राशि मिलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और देखते हैं अपन, कार्य में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखेंगे कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। अब बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक। फिर विस्थापन कैसी राशि है, ये भी सदिश राशि है। अब देखिए दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अदिश। इस बात को ध्यान रखना है। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात की थी आपसे, कि यदि दो
एक राशि अगर अदिशी है दूसरी सदिशी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी सदिश राशि होता है। कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए बहुत केयरफुली सुने। यदि दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ देखिए दोनों राशि कैसी हैं, सदिश राशियाँ हैं, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अदिश राशि होगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट करके फॉर्मूलों का प्रयोग करके सभी राशियों के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी राशियाँ कैसी हैं, सदिश राशि हैं या अदिश राशि हैं, ठीक है। ये तो होगी भौतिक राशियों के बारे में। अब अपन बात करते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, तो अगर बात करते हैं भौतिक राशियों में क्या क्या होगा, तो भौतिक राशि में दो चीजें होंगी, ठीक है। भौतिक राशि में दो चीजें होंगी, एक क्या होगा, अंकिक मान और दूसरा मात्रक, ठीक है। ये भी चीजें आप जान लीजिए। भौतिक राशियों में दो चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, भौतिक राशि कोई द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हमको उसका कुछ अंकिक मान होगा, जैसे 5, जैसे 10, 15, कुछ भी हो सकता है अंकिक मान। और इस द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए इसका एक मात्रक होगा, वो मात्रक जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, टन, जो भी है, ठीक है। तो भौतिक राशियों को हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आते हैं अपन मापन की इकाइयां, ठीक। मापन की इकाइयां, ठीक है। तो मापन की इकाइयां सबको पता है, मापन की इकाइयों में मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रक हैं वो कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, ठीक है। कितनी जो भी अपनी भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए कुछ स्वतंत्र मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्वतंत्र मात्रक हैं वो कैसे मात्रक होते हैं, मूल मात्रक हैं, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं, जो मूल मात्रकों पर निर्भर हैं, या यूं कहें कि हम व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए व्युत्पन्न मात्रक। आपको सबको पता है कि मूल मात्रक कितने हैं, किलोग्राम, मीटर, ठीक है, समय का मात्रक, सेकंड, ये सब कैसे हैं, मूल मात्रक हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं मात्रक की पद्धतियां, ठीक है। आज मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। मात्रक की पद्धतियां,
तो मात्रक की किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मात्रक पद्धतियाँ बोलते हैं। अब इसमें से कितनी हैं? चार मात्रक की पद्धतियाँ हैं, ठीक है, MKS, फिर CGS, तीसरा है FPS और चौथा है SI पद्धति, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो SI पद्धति है। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे M का मतलब क्या होगा? मीटर से, ठीक है, मतलब ये क्या है? दूरी का मात्रक, दूरी का, ठीक है। K का मतलब क्या है? किलोग्राम। S का मतलब क्या है? सेकंड। फिर अपन C की बात करते तो क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है। फिर जी का ग्राम है, ठीक है, और सेकंड, ठीक। FPS में फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक। SI पद्धति को हम विधिवत देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं SI पद्धति। SI पद्धति SI पद्धति में तो फुल फॉर्म इसका सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, यूनिट। तो SI पद्धति जो है वो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था MKS, तो MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो ये सभी इसमें भी काउंट है, ठीक है। अब SI पद्धति के अंतर्गत सात मूल मात्रक हैं। सात कितने हैं? मूल मात्रक। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कितने मूल मात्रक हैं। सात मूल मात्रक हैं और दो संपूरक मात्रक हैं, ठीक। अब सात मूल मात्रक को देख लेते हैं। सात मूल मात्रक कौन कौन से हैं? एक तो लंबाई है, ठीक, फिर द्रव्यमान, फिर समय के लिए सेकंड समय। ये देखिए MKS के तीनों पद्धतियां आ गई हैं, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि SI पद्धति की ये पूर्ववर्ती है पहले से, ठीक है। इसके बाद इसमें जोड़ा गया क्या? विद्युत धारा, फिर ताप, फिर ज्योति तीव्रता, और लास्ट में क्या है? पदार्थ की मात्रा, ठीक। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम, ठीक। समय का सेकंड, यस यस। विद्युत धारा का मात्र क्या है? एम्पियर। ताप का मात्र क्या है? केल्विन। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली अपन जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस। पर SI पद्धति में ताप का मात्र क्या है? केल्विन है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडला, और पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल, ठीक। तो ये कैसे मात्रक हो गए? ये सात मूल मात्रक हो गए। अब दो क्या हैं? संपूरक हैं, ठीक है। दो कैसे मात्रक हैं? संपूरक हैं। संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं? एक समतल कोण और दूसरा ठोसीय कोण, ठीक। इसका मात्रक क्या है? रेडियन। और इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, ठीक। तो ये समझ की जानकारी थी SI पद्धति के बारे में, ठीक है।
ये जब इसकी घोषणा कब हुई थी, थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें मैं बता दूं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 1960 में, ठीक है, 1960 में इसकी घोषणा हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। पेरिस में मतलब जहां से ये सब चीजें गवर्न होती हैं, इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस में, 1960 में, थोड़ा सा याद रख। अब मैं सभी को डिफिनीशन में नहीं पढ़ते हुए कि मीटर, एक मीटर कैसी इकाई है, मतलब समय का प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी का 299,792 कुछ ऐसा डेटेस के भाग में द्वारा चली गई दूरी को एक मीटर बोलते हैं, वो सब एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है उस पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर हम दूरी कुछ मात्रा की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या है, किलोमीटर दूरी का मात्रक किलोमीटर है। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं मीटर जो दूरी लंबाई की मात्रक है उनके बारे में। तो एक किलोमीटर सबको पता है, किलो के देखते ही कितना, 1000 हर जगह होता है ये, तो सबसे नॉर्मली है। हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, 1 मील या माइल जो भी, 1.6 किलोमीटर। एक समुद्री मील क्या होता है, 1.8, याद रखना समुद्री मील ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मील्स, ठीक है। फिर एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई इक्वल टू कितना होता है, 1.495 × 10^11 meter, ठीक है। वन प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, 9.46 × 10^15 meter, ठीक है। फिर एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.084 × 10^16 meter, या ये इसकी दूसरी यूनिट भी होती है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष सबको पता ही होगा, खगोलीय इकाई भी सबको पता होगा कि खगोलीय इकाई होता क्या है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी क्या है, खगोलीय इकाई है। प्रकाश वर्ष सबको पता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। पारसेक क्या है, एंगुलर डिस्टेंस क्या है, खगोलीय पिंडों का एंगुलर डिस्टेंस क्या शुरू करता है, पारसेक शुरू करता है, ठीक है। इतना टफ तो पूछता नहीं, नॉर्मली ये पूछता है कि ये किसकी इकाई है, ठीक है ना, दूरी की है, प्रकाश की है, ठीक है, चाल की है, इस तरह से ऑप्शन दे देगा आप कुछ भी, ताप की है, क्योंकि प्रकाश वर्ष इसमें पहला शब्द प्रकाश दिखता है तो सबको लगता है कि नहीं प्रकाश वर्ष प्रकाश की इकाई होगी, तो ये दूरी की इकाई है ना कि प्रकाश, चाल और ताप की, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। किलोग्राम में लगभग ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम भी, किलोग्राम में ऐसा ही पद्धति, किलोग्राम के लिए अपन ऐसा ही पद्धति का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो नॉर्मली अपन यूज़ करते हैं, वो क्या है, पाउंड, सॉरी आज थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, मैं दूसरे से ट्राई कर रहा हूँ।
शायद दिख रहा होगा, एक पाउंड इक्वल टू 453.52 ग्राम, ये याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखना है, एक क्विंटल कितने किलोग्राम होता है, सबको पता है 100 किलोग्राम, ठीक है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, एक मीट्रिक टन, ठीक है, एक मीट्रिक टन कितना होता है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब समय का मात्रक सबको पता है, 60 सेकंड, 60 मिनट, 1 घंटे, एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, केल्विन ताप का मात्रक है। मैं जब टेम्परेचर में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सभी जितना भी कैसे मापते हैं अपन, डिग्री सेल्सियस, ट्यूमर, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन सब के बीच रिलेशन कैसे यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं, इस पर चर्चा होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ बचानी, हाँ थोड़ा सा कुछ अन्य मात्रा का पर देख लेते हैं जो कभी कभी पूछ लेता है, पूछने के साथ साथ भी दैनिक जीवन में भी इनका उपयोग है, इसलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2.54 सेंटीमीटर, अब 12 इंच इक्वल टू कितना होता है, 1 फुट होता है, ठीक। तो यहाँ से अपन इसको चेंज कर सकते हैं, 2.54 × 12 तो आ जाएगा कितना, 30.48, ठीक है, ये कितना हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे कि एक फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। एक माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर पता है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁰ मीटर पता है, एक बैरल पूछते हैं कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक बैरल कितना होता है, 159 लीटर, ठीक। आप सुने होंगे कि जो तेल वगैरह आयात होते हैं वो बैरल की यूनिट में आयात होते हैं, ठीक है। हॉर्स पावर सबको पता होगा, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, ठीक। ये कुछ अन्य मात्रक थे जिनका हम उपयोग करते हैं। तो जो मेजरमेंट से संबंधित जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में, ठीक है। धन्यवाद, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।